एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बहुत ही एक स्पेशल जगह में आए हैं। आज होने वाला है रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 450 डेमो डे, या एक्सपीरियंस डे भी बोल सकते हैं। हिमालयन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक ऑफ रोड ट्रैक, उनके लिए बनाया हुआ है ये। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टेंट वेंट लगा के रखा है और यहाँ पे एक स्टेज है। हिमालयन एक्सपीरियंशियल डे, रॉयल एनफील्ड का फ्लैग है और सामने ट्रैक है। ट्रैक में थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से है स्टार्ट और इधर से सीधा जाएंगे और सामने जाके एक नीचे जाएगा रास्ता, तो वो है स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे फिर एक रास्ता नीचे जाता है, यहाँ से सबको नीचे जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से होते हुए आगे जाना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्स्टेकल। ऐसे ही बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है रास्ते में जिनको पार करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे कुछ टायर्स रखे हुए हैं, इनके ऊपर से बाइक चला के जाना है और आगे देखते हैं कौन से ऑब्स्टेकल्स है। ये देखिए बिल्कुल मड में से जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और ये देखिए और भी यहाँ पे और भी मड्स ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से आते आते यहाँ पे मिलेंगे ईंट पत्थर, इनके ऊपर से जाना पड़ेगा और सामने जाके मिलेगा एक जंप। यहाँ से बाइक को जंप करवा के जाना है फिर आगे। एंड फिर यहाँ से आते हुए फिर से ऊपर आना है। एंड दिस इज द लास्ट ऑब्स्टेकल ऑफ दिस ट्रैक। ये आखिरी जंप करके फिर वहाँ पे ख़त्म। अभी जो यहाँ पे आए हैं उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते कि कैसा लग रहा है उनको। अभी देखिए ये सब आए हैं आज देखने के लिए, तो कैसा लग रहा है आप सबको? आपको आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? आपको 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 तो सबसे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही मिल रहा है। अभी आगे कुछ और लोग से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है भैया यहाँ पे आके। अच्छा लगा, अभी तो अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा के देखेंगे, तब बुरा हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। कैसा लगा यहाँ पे आके अभी ओवरऑल? अभी तक मेरे को अभी तक तो बहुत बढ़िया लगा। रूट भी मैंने चेक किया, थोड़ा सा टफ है क्योंकि माटी भी है और स्लीपी भी है। और चलो ट्रैक पे मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे फिर और आगे वाला हिस्सा। चिराग के सीआरटी तन्मय भैया सबको एंट्री करवाते हुए, और यह है माधुर्जो दादा। तो हम अगर गुवाहाटी से आएंगे तो ये सामने से आएंगे और पीछे है चंद्रपुर वाला रोड, ये है रास्ता। यहाँ पे डिस्प्ले में हिमालयन 450 आ चुका है। ये नए राइडिंग गियर्स, रॉयल एनफील्ड ऑप्टिमस हेलमेट, उसके साथ गॉगल्स, निर्विक जैकेट, राइडिंग पैंट्स और राइडिंग बूट्स। और ये है हिमालयन 450 फुली कस्टमाइज्ड। इसमें टूरिंग विंडस्क्रीन है, पैनियर्स, टॉप बॉक्स, टूरिंग सीट, रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है। सारे कंपनी फिटेड है जो रॉयल एनफील्ड से ऑफिशियल आते हैं, जेन्युइन एक्सेसरीज सारे इसमें इंस्टॉल्ड है। अभिजीत भैया जो हमारे साथ दिरांग में गए थे, बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुआ, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके अभी तक? यहाँ पे फिर से वही एनर्जी महसूस कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे नया हिमालयन 450 करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड द्वारा जो है सेटअप करके दिया गया है, तो देखते हैं कैसे जाएगा। बैंगलोर। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट राइडिंग? आई
2007. Since a very long time. Yeah. And how are you feeling here? Mopis is a very beautiful place. It's nice to be here. Okay. And what about this experience? Looking forward to it. Okay. Not in my turn, I haven't come, but yeah. I see it's pretty good. Okay. Thank you. Thanks a lot. Are you Shifu Biyaki? बताओ अपना बाइक चलाने के बाद तुम्हारा कॉपीराइट आएगा साइड में आओ लगा बाइक चला के इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बस ये वाले जंप पे जंप नहीं कर पाया लेकिन मस्त लगा क्या बताएं अगर लैप टाइम होता तो शायद पहला आता ऐसे मजाक कर रहा हूं लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस दुबई हिमालय चला के बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया एक मिनट मैं फीडबैक दे के आता हूँ बाइक चला के मजा आ गया मुझे आगे। कुछ बताना चाहोगे अच्छा लगा मतलब ट्रैक के लिए और ये अच्छा बाइक ट्रैक के सस्पेंशन बहुत अच्छा है इसका इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस
आपको कैसा लगा बाइक चला के? मजा लग गया एकदम, मजेदार था ट्रैक। और कुछ बताना चाहोगे कि कैसा परफॉर्मेंस? हिमालयन ने बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस, पावर भी है बढ़िया। तो अभी देखिए सबको यहाँ पे बुला रहे हैं ग्रुप फोटो के लिए। स्विच गायब हो चुका है तो अभी देखिए जुगाड़ इसको स्टार्ट करने का। सबसे महंगा आइटू वैसे ओए डरा सबसे महंगा आइटू। कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त, जिंदा हूँ। एक्साइटिंग डे एंड इट्स टाइम फॉर वाइंडिंग अप एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट राइट हियर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड दिस इज यस्मिन चौधरी साइनिंग ऑफ। नॉर्थ ईस्ट के मार्केटिंग हेड, नाम क्या है आपका? मारुति बोरा। योर टेकिंग सम एनी बाइट? ओके ओके। तो आपको कैसा लगा आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज करके? ये इवेंट, हाँ ये बढ़िया रहा। ऑब्वियसली सो दिस वाज सो मोबाइल लगा। ए टू
हाँ ये काफी अच्छा रहा ओके इट वाज लाइक आफ्टर द लॉन्च ऑफ द न्यू हिमालयन मोटरसाइकल्स फॉर मिस्टी सो प्रीवियसली वी हैड हिमालयन 411cc सो इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ हिमालयन 450cc सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस वी हैव गिवन टू द लाइक ऑल द एंथुसियास्टिक राइडर्स ओके सो आई थिंक ऑल द राइडर्स एंजॉय हैविंग दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस न्यू हिमालयन मोटरसाइकल्स 450 कैसा लगा आपको आज एक्सपीरियंस जल गया हूँ बट इट वॉज गुड वी हैड अ गुड नंबर ऑफ पीपल बहुत लोग आ गए हैं आज बहुत लोग ने टेस्ट भी किया है एंड आई होप एवरीबॉडी एंजॉय सब लोग को अच्छा लगा होगा बिकॉज हम लोग ने जो आज ट्रैक बनाया था टू ओनली एक्सपीरियंस द हिमालयन ऑन द ऑफ रोड कैसा परफॉर्मेंस है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होता है कि वो लोग जो है टार्मिक रोड में चलाते हैं लेकिन ये जो है जो ऑफ रोड नहीं करते हैं या फिर पहाड़ में नहीं बट आज हम लोग ने वैसा ही टाइप का छोटा मोटा हम लोग ने क्रिएट किया है और सब लोग को आके भी बहुत फीडबैक भी दिया है बहुत अच्छा लगा एंड रियली ग्रेट टू हैव यू गाइज ऑल्सो जो हम लोग के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है एंड आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो आप लोग आते रहेंगे एंड हम लोग का ये जो नया नया इवेंट होते रहेंगे वो आप लोग एन्जॉय करिए बट विथ सेफ्टी ऑल राइट थैंक यू सो मच बताना चाहोगे व्यूअर्स को हाँ अच्छा लगा आप आए फिर अब देख रहे हैं अभी अब आपका जनरेशन अभी बाइक कैसा हो रहा है आपका प्रॉपर बाइकिंग टेक्निक सब और रॉयल एनफील्ड के और से भी आपका ये इनिशिएटिव है कि आपका सेफ राइडिंग फिर आपका ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये आपको कस्टमर्स को मतलब ये दे रहे हैं एक्सपीरियंस को कस्टमर को प्रोवाइड करें वही आते रहिए आप लोग को भी मतलब नया नया चीज़ें देखने को मिलेगा इससे बताना चाहोगे व्यूअर्स को क्या बताएं नया नया जनरेशन को बस वही जो उसने बोला अगर बाइक चलाने से पहले चलाने का टेक्निक सीख जाओगे ना तब गिरोगे नहीं पड़ोगे नहीं बाइक को गाली भी नहीं बाइक खराब से ले लेते हैं चलाना नहीं आता गिर जाता है घर वाले बोलते कि बाइक खराब है नहीं बाइक खराब नहीं चलाना सीख लो फिर सब बढ़िया है तो ऐसा इवेंट में तुम पार्टिसिपेट करो सीखो ऐसा मतलब ये सीखने से अपने के लिए अच्छा चलाने के साथ गिरना भी सीखना होता है कि कैसे गिरे कम चोट आए कम मतलब वो रिस्की हो कुछ बताओगे व्यूअर्स को मतलब आना पड़ेगा ऐसा इवेंट होने से और एक बार आओ आप लोग भी आया करो सब लोग तो आते ही आप लोग भी आ जाओ और मौज मस्ती थोड़ा करना चाहिए बाइक गिराओ चलाओ खुद भी गिरो बस ऐसे ही करते रहो बाकी तो हम लोग आरी फैमिली है यहाँ पे तो बस एंजॉय करना है आना है नेक्स्ट इवेंट पे आप लोग भी आइए और इसका चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जो साइड में आपका बेल वाला बटन है उसको भी बस हो जाएगा देखो यार सच्ची कहानी तो ये है ये मेरा फर्स्ट ऑफ रोडिंग है जो टिपिकल ऑफ रोडिंग है और अच्छा लगा करके ट्रैक अच्छा बनाया हुआ था और अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे थे और सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो मैन पावर है वो काफ़ी सपोर्टिव थे तो सारा कुछ आप लोगों को मैंने बताया भी है और बहुत अच्छा लगा और होपफुली नेक्स्ट ईयर जब होगा तो उससे और बेटर करने की कोशिश करूँगा ओके बाय तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय